जिले के उरवा थाना क्षेत्र में गुरुवार को चचेरे भाई से हुए विवाद में चली गोली में भाई के हत्या आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। पुलिस अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है, लेकिन उन्हें अभी सफलता नहीं मिली है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने बताया कि जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। उन्होंने बताया हमारे प्रधान पहले से बदल रहा है, प्रधान पहले बदल रहा है। मास्टर भी हैं पेशे से? पेशे से मास्टर नहीं, सर उनको बुलाते हैं। अच्छा, बाय नेम मास्टर बुलाते हैं। मास्टर नाम के यूनिक साहब रखकर पढ़ता था ये गीडा की तरफ है। मास्टर नाम के आज था यहाँ पर। उसका नंबर है क्या? तो वही नंबर ये शुभम का। उषा जी रमन 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 रमन। और इनकी पत्नी का अजय चंद के मतलब चाची का आपके कोई इस तरह का है जो उनको उनका नंबर दे सके? कौन देगा ये नहीं पता। ये आया था घर पे ये रमन मन यही रहता है क्या? स्कूल नहीं जाता है? नहीं, पर एक साल से था तो यही अप्रैल से आया था। ठीक है, पढ़ने भी वही है। आज बताती हूँ कुर्सी को लेकर शुरुआत होने बेटा क्या हुआ था? कुर्सी लेकर वही रमन था तो वो हमेशा छेड़ता रहता था, और कल डैडी बोरिंग पास गए थे तो वो बाइक उनके बगल से बहुत ही स्पीड में ले गया था, तो डैडी बाइक से गिरते हुए बचे थे। तो आके घर पे कहे कि ऐसा बेटा ना करा, ना था हम आई ना तू गिर बात तो उनको चोट लगी। तो उसकी मम्मी उनको घर में लेकर करेगा कैसे, कहे तू रुक बा तू क्या रुके बारे। तो डैडी बस इतने बोले थे, उसके बाद के लिए जो इस घटना में चचेरे भाई ने ही अपने चचेरे भाई की हत्या की थी, जो छोटे से विवाद से ये घटना अचानक बढ़ गई, और इसके अंदर जो है टीमें हम लोग की गठित हैं और शीघ्र जो मुख्य अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। पूछताछ के लिए कुछ लोगों को लेके आए, कुछ डिटेल्स हमारे को मिली है, उसी संदर्भ में टीम्स हमारी मूवमेंट पे, और हमें आशा है कि शीघ्र जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार किया जाएगा।